प्रश्न तीन, त्रिभुज एबीसी बनाएं जिसमें AB बराबर 4.5 सेंटीमीटर, BC बराबर 5 सेंटीमीटर तथा CA बराबर 6 सेंटीमीटर। शीर्ष A से BC पर लंब खींचें। तो सबसे पहले हम एक सीधी रेखा खींच लेंगे। इस तरह से उसके बाद कह रहा है BC बराबर, देखिए AB कितना है 4.5 सेंटीमीटर, AB कितना है 4.5 सेंटीमीटर और BC कितना है 5 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हम BC यहाँ पे नाप लेते हैं, तो BC 5 सेंटीमीटर है, तो BC 5 सेंटीमीटर हम परकाल से परकाल में नाप लेंगे इस तरह से, और रेखा के बाईं छोर पे रखेंगे और एक बार काट लेंगे इसको। तो ये हो जाएगा BC, क्या हो जाएगा BC 5 सेंटीमीटर, कितना 5 सेंटीमीटर। तो BC हो गया 5 सेंटीमीटर। अब क्या कह रहा है, AB 4.5 सेंटीमीटर कह रहा है और CA कितना है 6 सेंटीमीटर। तो अब हम AB नाप लेते हैं 4.5 सेंटीमीटर, तो AB कितना है 4.5 सेंटीमीटर। इस तरह से नाप लेंगे, तो AB है यानी B पे परकाल को रखेंगे और एक चाप इस तरह से बना लेंगे। अब CA कितना है, CA है 6 सेंटीमीटर, तो 6 सेंटीमीटर नाप लेते हैं। तो ये है 6 सेंटीमीटर, तो सी ए है यानी सी पे रखेंगे। अब परकाल को कहाँ पे रखेंगे, सी पे, और इस चाप को काट लेंगे। तो दोनों जहाँ पे मिलेगा वहाँ पे क्या हो गया, ए, यहाँ पे हम ए लिख देंगे। अब इसको मिला लेते हैं, तो ए बी और AC को मिला लेंगे, ये हो गया ABC, त्रिभुज ABC जिसमें BC हम 5 सेंटीमीटर लिए थे। यहाँ पे आप AB भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, AB भी आप नीचे ले सकते हैं या CA भी ले सकते हैं नीचे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। हम BC लिए थे, आप यहाँ पे AB भी ले सकते हैं नीचे में, तो उससे भी त्रिभुज बन जाएगा। AB अगर नीचे लेंगे तो ABC ऊपर हो जाएगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे BC लिए थे, तो ABC इस तरह से बनेगा। तो BC कितना हो गया 5 सेंटीमीटर, AB 4.5 सेंटीमीटर, 4.5 सेंटीमीटर दिया है, और AC कितना यानी CA कितना दिया है, CA 6 सेंटीमीटर। तो इस तरह इस त्रिभुज की रचना हम करेंगे। अब कह रहा है शीर्ष A से, शीर्ष A कहाँ है, देखिए यहाँ पे शीर्ष मतलब कोना, तो शीर्ष A से BC पर लंब खींचें। तो कैसे खींचाएगा, तो क्या कह रहा है शीर्ष A से, तो देखिए शीर्ष ए पे परकाल को रखेंगे, ठीक है, शीर्ष ए पे परकाल को रखेंगे और क्या करेंगे, देखिए
तो सबसे पहले देखिए, शीर्ष ए से बी सी पे लंब खींचने के लिए बी सी को थोड़ा और बढ़ाना होगा इस तरफ। तो एक तरफ तो बढ़ा हुआ है, देखिए यहाँ तक, इस तरफ भी बढ़ाना होगा इसको। तो इसको और इस तरफ हम बढ़ा देते हैं थोड़ा सा, देखिए इस तरफ हम बढ़ा लिए हैं, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको हम इस तरह से उल्टा कर देते हैं चित्र को। चित्र को देखिए उल्टा कर दिए हैं। अब ए पे हम परकाल को रखेंगे, परकाल को ए पे रखेंगे, ठीक है। और एक इस तरह से चाप बनाएंगे, देखिए ए पे परकाल को रख करके इस तरह से चाप बनाएंगे। इस तरह से एक चाप बना लेंगे, देखिए। इस तरह से चाप बना लेंगे, ठीक है। अब क्या करना है, देखिए जहाँ पे मिल रहा है वहाँ पे परकाल को रखेंगे, वहाँ पे परकाल को रखेंगे, और आधा से ज़्यादा देखिए यहाँ से यहाँ तक जहाँ पे दोनों मिल रहा है, तो ये जो चाप बनाए हैं एक यहाँ पे मिल रहा है इस रेखा से, और एक यहाँ पे मिल रहा है, तो यहाँ से यहाँ तक का दूरी है उसके आधा से ज़्यादा हम लेंगे, देखिए, ठीक है। यानी यहाँ से देखिए, यहाँ से और यहाँ तक का जो दूरी है उससे आधा से ज़्यादा लेंगे परकाल में, देखिए इतना लेंगे, आधा से ज़्यादा, देखिए इतना आधा हुआ, ठीक है, इससे ज़्यादा ले लेंगे यहाँ तक। अब क्या करेंगे, यहाँ एक बार काट लेंगे, एक बार यहाँ चाप, देखिए यहाँ पे रख करके आधा से ज़्यादा इसका लेकर के यहाँ पे एक चाप बना लेंगे। उसके बाद इधर भी देखिए, इधर भी एक चाप बनाएंगे, ठीक है, इधर भी एक चाप बना लेंगे, इधर भी एक चाप बना लेंगे। उसके बाद इस तरफ परकाल को रखेंगे यहाँ पे, और इसको काट लेंगे। उसी तरह इस तरफ भी काट लेंगे, देखिए यहाँ पे इस तरफ भी काट लेंगे। अब क्या करना है, देखिए दोनों जहाँ पे काट रहा है यहाँ और यहाँ, इसको अब स्केल से, तो स्केल से अब मिला देना है। यहाँ पे स्केल रखेंगे, ठीक है, ऊपर में, और यहाँ पे देखिए ये दोनों को मिला देना है, यानी सीधा बिल्कुल स्केल को करके, स्केल को बिल्कुल सीधा कर लेंगे। ये दोनों जहाँ पे मिला है ठीक है, और यहाँ पे देखिए सामने सामने कर लिए। अब यहाँ पे से इसको बस मिला देना है, ये हो जाएगा शीर्ष ए से लंब, किस पे, बी सी पे। तो ये देखिए शीर्ष ए से बी सी पे लंब हो गया, ठीक है। यानी लंब मतलब क्या होता है, 90 डिग्री का कोण। तो शीर्ष ए से बी सी पर, देखिए बी सी यहाँ पे है, तो शीर्ष ए से बी सी पर लंब हो गया। इसको अगर चाहें तो डी नाम देते हैं, तो ए डी क्या हो गया, ए डी हो गया शीर्ष ए से बी सी पर लंब। तो यहाँ पे एक चाप मिल रहा था और यहाँ पे, बस स्केल दोनों सामने सामने रख करके क्या करना है, इसको मिला देना है। ए से बी सी पर जो रेखा आएगा वही लंब होगा। तो ए से बी सी पर इस तरह से हम लंब खींचेंगे। तो त्रिभुज एबीसी बनाना था जिसमें
कितना कितना दिया हुआ था, ए बी 4.5 सेंटीमीटर, बी सी 5 सेंटीमीटर और ए सी 6 सेंटीमीटर, और शीर्ष ए से बी सी पर लंब खींचना था। तो इस तरह हम खींच लेंगे।